हेलो गाइस, मैं सनोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल कोड सपोर्ट। हमारे चैनल में स्वागत है आप सबका। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं चार करेक्टर्स अलग अलग लोकेशन पर हैं। ये चारों एक मॉनिटर पर किस तरीके से दिख रहे हैं, यानी ये चारों लाइव हैं, लाइव क्रॉस कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये चारों दिख रहे हैं। ओके, तो हम यही बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, हम एकदम बेसिक से बताएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल ए करते हैं, और या तो फिर यहाँ से हम कर सकते हैं फाइल में, और यहाँ से न्यू कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम सिंपल कोई भी चूज कर लेते हैं सीन। ओके, अब हम इस कैमरे को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, सबसे पहले डिलीट कर, यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ओके, तो ये किस तरीके से आया है पहले देख लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से छोटा कर देते हैं। ओके, आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर ऐसे आता होगा, तो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम कुछ यहाँ पर आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो आप जैसा भी मैनेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर हम रिसेंटली में आ जाते हैं, जो चीज़ें हम यूज करते हैं वहाँ रिसेंटली में दिखा देता है। सबसे पहले हमें ये यूज करना है, आपको ढूंढ लेना है सिंपली जो भी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर कोई भी मेज एक चाहिए होगा जिस पे आप अपना लैपटॉप या रख सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम यहाँ इस तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ये पीसी में रखना है, मॉनिटर रखना है। ओके, तो ये हम अपना मॉनिटर रख देते हैं वहाँ पर। उसके बाद कीबोर्ड आ जाता है हमारा, कीबोर्ड को भी उठाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर देंगे। ओके, यहाँ पर फिर से हमें रख देना है उठा करके। ओके, तो यहाँ से उठा लेंगे और एक सेकंड देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर हम जूम करके देखते हैं किस तरीके से रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम पीछे करते हैं। ओके, ये यहाँ पर रख देते हैं, ये इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके ग्रेट, उसके बाद हमें क्या करना है। अब यहाँ पर एक कोई चेयर चाहिए मुझे, तो यहाँ पर चेयर एक क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पर कर देते हैं हम। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्रिएट हो चुका है सिंपली। अब हमें यहाँ पर एक करेक्टर को क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पर हम किसी करेक्टर को क्रिएट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो हम बेसिक बता रहे हैं कि ये किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर करेक्टर को हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, कोई भी करेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा करेक्टर क्रिएट हो चुका है, और इस तरीके से हम उसे चेयर पर बैठा देते हैं। ओके, तो आप जो भी मॉडिफाई करना हो चाहते हैं करेक्टर में तो कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसको हम पहले कैंसिल कर देते हैं। ओके, अब यहाँ से हम इस तरीके से इसमें कैरेक्टर को बैठाएंगे इस चेयर पे। ओके, इसको हम आगे ले जाएंगे और आप सेम ऐसे फॉलो ही कीजिए, ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देख सकते हैं कि चेयर, ये जो हमारा मेज़ है ये थोड़ा सा ऊंचा है, तो हमें इस मेज़ को क्या कर लेना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो यहाँ स्केल में जाएंगे और इसकी हाइट यहाँ पर अनचेक कर देना, इसकी हाइट को क्या कर देना है, थोड़ा सा छोटा कर देना है। देख सकते हैं ये छोटा हो चुका है। अब इन सबको फिर से अरेंज करना होगा, कंट्रोल एक्स कर सकते हैं आप, फिर कंट्रोल बी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर फिर से रख सकते हैं। ओके,
यहाँ पर देख सकते हैं हो गया है, और ये भी हमारा हो चुका है अरेंज। ओके ओके, अब हम इस चेयर पे बैठाने वाले हैं इस करेक्टर को। ओके तो इस करेक्टर पे डबल क्लिक करेंगे। ओके यहाँ पर सॉरी क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट में जाएंगे, डायरेक्ट में एक्शन करेक्टर एक्शन पे जाएंगे। उसके बाद स्विच टू प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन है तो यहाँ पर सेट कर देंगे। ओके ये हमारा सेट हो चुका है। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं और मैनेज कर देते हैं। ओके इस तरीके से अभी हमें छोटा लग रहा है। करेक्टर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर बॉडी में जाएंगे, बॉडी में यहाँ पर देख सकते हैं स्केल का ऑप्शन है तो इस तरीके से इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और सेम इसी तरीके से चेयर की भी हाइट को हम बढ़ा देंगे, यहाँ पर स्केल में जाएंगे और इस तरीके से इसकी भी साइज बढ़ा देंगे ताकि लगे। ओके ओके यहाँ देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है ये रेडी। अगर हम कहीं मॉनिटर की भी साइज़ को चाहते हैं बढ़ाना तो किस तरीके से बढ़ाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्केल में आ जाएंगे और देख सकते हैं इसकी साइज भी बड़ी हो चुकी है। इसी तरीके से माउस सॉरी कीबोर्ड की साइज़ को भी बढ़ाया जा सकता है स्केल में जा कर के। ओके ये हो गया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सारी चीज़ें अब मेन चीज़ें फॉलो करना है हमें। ओके तो आप यहाँ से आ जाइए कहीं पर साइड में। ओके यहाँ पर आप सिंपली जाएंगे बैकड्रॉप्स में, बैकड्रॉप्स में आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं, तो यही वाला यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं ये वाला। ओके इस तरीके से हमें रोटेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। ओके अब हमें करना क्या है, इस पर डबल क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स खुल जाएगा। ओके यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टी बॉक्स खुल गया है और यहाँ पर इसके कलर में चूज कर लेंगे ब्लैक। यहाँ पर कलर में जाएंगे और चूज कर लेंगे ब्लैक। ओके तो ये हमारा ब्लैक हो चुका है। ओके उसके बाद हम सेम इसी को कॉपी कर लेंगे, तो कंट्रोल एक्स करेंगे और इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। ओके फिर से कंट्रोल वी करेंगे हम इसको। ओके देख सकते हैं ये कंट्रोल वी हो चुका है, डबल क्लिक करेंगे और हमें इसकी प्रॉपर्टी में जा करके इसके कलर को चेंज कर देना है। कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर समझने के लिए दे दिया। और एक चीज़ और है, यहाँ पर आ सकते हैं और ये जो येलो कलर है आप इसकी स्केल को कम कर देंगे। ओके यहाँ पर देख सकते हैं एकदम कम हमने कर दिया है, और भी कम कर सकते हैं आप, इतना कर सकते हैं। ओके ओके ये सही है। अब इसी को हम अभी एक चीज़ और करना है, इस पर हमें डबल क्लिक करना है और येलो वाला पार्ट इसमें फिजिकल में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर सारे को अनचेक कर देना है, यहाँ पर फ्लोट इन द एयर पे आपको चेक करना है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर देना आपको। ओके ये हमारा हो चुका है। अब इसी को कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी हम सेम ने कर दिया और कंट्रोल वी करेंगे। ओके यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको कर लेना है और यहाँ पर आपको सेट कर देना है इस तरीके से। अगर आप चार चाहते हैं तो इस तरीके से सेट करें, यहाँ पर दो आ जाएं और दो इस साइड में। ओके दो बन चुका है, अब हमें चाहिए और दो, कंट्रोल वी करेंगे और फिर से हमें सेम काम करना है। यहाँ पर चार चाहिए हमें तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इन चारों को लगा लेंगे। अगर हमें छः चाहिए होता तो हम यहाँ पर छः लगाते हैं। साइज आप अपना छोटा बड़ा कर सकते हैं और फिर इस तरीके से देख सकते हैं।
तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं। सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको, बैकड्रॉप्स है, एक साइज दे दीजिए और इस साइज को जितना भी चाहते हैं आप लगाना आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, आप सेट कर सकते हैं अच्छे से, हम चूँकि जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो थोड़ा सा सेट करने में हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए। ओके, ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर एक कैमरा क्रिएट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा क्रिएट कर लिया हमने, डबल क्लिक करना है कैमरे पे और शो विंडोज़ पे करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कैमरा शो होने लगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और उसके बाद अब हमें करना है कैमरे को पोजीशन में लाना है हमें। ओके, पोजीशन में हम ला रहे हैं इस कैमरे को, हमें ये इस तरीके से दिखाना है। देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट दिख रहा होगा कैमरे का, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें जूम आउट करना है। इस तरीके से जूम कर लिया हमने और फिर इस तरीके से, ओके, यहाँ से जूम इन जूम आउट करके देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। देख सकते हैं ये आउटपुट इस तरीके से आ रहा है, तो सही है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका आउटपुट आने लगा। अभी मेन चीज़ बताना है। ओके, तो इसको ये अभी यहाँ रहने देते हैं और कहीं दूसरे साइड में आ जाते हैं। ओके, तो इसको हम इधर कर देते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आ जाना है आपको, बैकड्रॉप्स करना है, ये वाला कर लेना आपको, सिंपली कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेना है और यहाँ पर एक बैकड्रॉप्स लगा लेना है। डबल क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे। प्रॉपर्टी में यहाँ पर आप आ जाएंगे सिंपली, और कोई भी कस्टम लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे लैपटॉप में है कुछ इमेज डाउनलोडेड तो हम उसको लगाना चाहते हैं। सपोज दैट ये वाला लगा देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करने वाले हैं पहले ध्यान से देखिएगा आप। ओके, यहाँ पर हमें एक करेक्टर को क्रिएट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी करेक्टर हो सकता है, यहाँ पर लेडीज़ करेक्टर को हम क्रिएट करने वाले हैं। कर दिया हमने, यहाँ पर इसको कर देना है। ओके, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, अब ध्यान से देखना हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें लगाना है एक कैमरा। ओके, इसकी साइज़ के छोड़ा थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं, स्केल में जा करके इसकी हाइट को कम करते हैं। ओके, ठीक है। अब जाते हैं यहाँ पर कैमरा पे, यहाँ पर कैमरा क्रिएट कर लेते हैं और सेम काम करना हमें, यहाँ पर कैमरा को सेट करना है। डबल क्लिक करके हमें शो कराना है कैमरे को, यहाँ पर शो द विंडोज़, यहाँ पर देख सकते हैं शो होने लगा विंडोज़। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमें शो कर लेना है। यहाँ पर जूम इन का ऑप्शन है तो अच्छे से जूम इन कर लेना है आपको, सेंटर में कर लेना है। ओके, ग्रेट, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। इसी तरीके से आप कई सारे बैकड्रॉप्स लगा सकते हैं, तो अलग अलग जगह बैकड्रॉप्स आप लगा सकते हैं। तो हम सिंपली लगा देते हैं जल्दी जल्दी बैकड्रॉप्स, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यही बैकड्रॉप्स रहने देते हैं अभी यहाँ पर। और ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसी टाइप के बैकड्रॉप हम लगाते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे। ओके, यहाँ पर एक हो गया,
देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से लगा लेते हैं। ओके, प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे और फिर से हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो हम जाएंगे अपने डी ड्राइव में और फिर यहाँ पर गैलरी में जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी इमेज हैं, तो इन सारी इमेज को हम चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हाउस का है, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर करेक्टर को क्रिएट करेंगे, कोई भी करेक्टर हो सकता है। ओके, ये हो गया करेक्टर मेरा। ओके, बिल्डिंग बड़ी होती है तो जाहिर सी बात है इससे बड़ी होगी, तो इसकी स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जॉइंट कर लेंगे और इस तरीके से बढ़ा देंगे, ये छोटा रहेगा करेक्टर। तो ओके, अब यहाँ से कैमरा को क्रिएट करेंगे, सेम काम आपको करना है, डबल क्लिक करके आप शो कराएंगे कैमरा को। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो आपको अच्छे से देखने के लिए यहाँ पर जूम इन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, आपको ऐसे सेंटर में कर लेना है, इसी तरीके से आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, आप जैसे ही बना लीजिए उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर चले आइए, यहाँ पर इस पर चले आना आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको यम दबाना है, जैसे इस पर यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से विंडो आ जाएगा। अब इस पर सिंपली इन सभी को सेलेक्ट करके ओके आपको लॉक कर देना है, तो लॉक कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लॉक कर दिया हमने चारों को। अब इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है, आप यहाँ पर जो भी लगाना चाहते हैं लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इमेज है, इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर टेक्सचर आ जाएगा, टेक्सचर पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है कैमरा दिख रहा होगा। ओके, कैमरा दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक कैमरा दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं तीन नंबर का कैमरा दिख रहा था और यहाँ पर हो गया। अब हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमने शायद यहाँ पर कैमरा लगाया है क्या, ये कितने नंबर का कैमरा है। ओके, सो द कैमरा सेकंड नंबर का कैमरा है, तो अब हमें आ जाना है इधर, इस पर डबल क्लिक करना है और फिर से हमें प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, टेक्सचर में आ जाएंगे, टेक्सचर में और यहाँ पर कैमरा में आ जाएंगे। ओके, कैमरा में आ जाएंगे, उसके बाद सिंपली हमें यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं व्यू में जाएंगे, सबसे पहले अगर कैमरा हमारा नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हाइड होगा, तो यहाँ पर शो द कैमरा विंडोज़, यहाँ पर सारे कैमरा विंडो दिखने लगेंगे। ओके, देख सकते हैं इसको हमें सेलेक्ट करना है, तो इसको हमें सेलेक्ट करने के लिए इसको सबसे पहले इस तरह यहाँ से हटा देंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कैमरा सेकंड है, सेकंड कैमरा को जैसे चूज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसे कई सारे कैमरा को यूज करके यहाँ पर कई सारे चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसके प्रॉपर्टी बॉक्स में आ जाएंगे, इस पर इमेज पे क्लिक करेंगे,
और इसके टेक्सचर में चले जाएंगे। टेक्सचर में जाएंगे तो हम सेम फिर इसको कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर सेम ये, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लाइट को मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पर इमेज पर जाएंगे। यहाँ पर अगर कोई इमेज आप लगाना चाहते हैं, सपोज दैट ये वाला इमेज, तो यहाँ से इमेज भी लगा सकते हैं, या फिर आप किसी इसको लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ये चीज़ें हमारी हो चुकी। अब हम अपने कंप्यूटर्स पे आ जाते हैं। कंप्यूटर्स पे आने के बाद देख सकते हैं, कंप्यूटर्स पे ध्यान देना आपको, कंप्यूटर्स पे जैसे क्लिक करना है डबल क्लिक, ओके, इसकी प्रॉपर्टी बॉक्स खुल जाएगी। प्रॉपर्टी बॉक्स पे आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पर नन होगा, यहाँ पर डबल क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे डबल, तो आपके सामने यहाँ पर कैमरा में आ जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा फर्स्ट, कैमरा फर्स्ट को चूज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा इसमें आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर सारे करेक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि इनका फेस नहीं आ रहा अच्छे से, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कैमरा को मैनेज करना होगा। ओके, तो यहाँ पर कैमरा को पहले शो कराएंगे। कैमरा हो गया शो हमारा। यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा शो हो गया। अब इस कैमरा को हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेंटर में मैनेज कर देंगे। सिंपली शो कराएंगे इसको विंडो को, और यहाँ पर जो भी चीज़ें दिख रही हैं सेम ऐसे हमें दिखाना है। ओके, तो इसको जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा, देख सकते हैं यहाँ पर दिखने लगा अच्छे से। तो आप यहाँ से मैनेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कर देंगे आप। तो चलते हैं यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या सही हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सही हो चुका है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।